जब दो लोग एक निकाह में बन जाते हैं तो उससे खूबसूरत रिश्ता और कोई नहीं हो सकता। रुक क्यों गए? साथ में चलेंगे। बेरंग 21 जुलाई से रोजाना शब 7 बजे। मेरे दिल से पूछो कि मेरे क्या हो। सुहेब, तुम खुद को समझते क्या हो? जब चाहोगे मुझसे रिश्ता जोड़ लोगे, जब चाहोगे छोड़ दोगे। यही तो गलती हो गई मुझसे। इस गलती का अजाला करना चाहता हूँ मैं। ये प्रॉपर्टी के कागजात हैं जो शौकत ने अपनी जिंदगी में तुम्हारे नाम किए थे। शौकत ने समीना के पास रखवाए थे। समीना ने कहा कि तुम्हारी अमानत तुम तक पहुंचा दूं मैं। इससे बहुत बड़ा गुनाह होगा। एक माँ से उसकी बच्ची छीन ली, आधे के साथ दोनों किया। बड़ी जल्दी एहसास हो गया तुम्हें अपनी गलती का। हमें तुम्हारा माफीनामा सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम यही बात करने आए थे ना, कह दी। अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। मैं आगे को उसकी बेटी देने आया हूँ। अपनी रिश्तेदार। क्या? देखो जुहेब, हमने तुम्हारी बच्ची को इस घर में नहीं रखना। तुम इसे अपने साथ वापस ले जाओ। मैं? मैं कौन है? तुम? अभी तुम्हें तुम्हारी बेटी देना है। आदिया, आज से तुम्हारे पास ही रहे, अपनी माँ के पास। मैं जानता हूं कि तुमसे बेहतर कोई भी नहीं इसको पाल सकता है। बहुत अच्छा किया बेटा तुमने। ये फैसला तुम्हें शायद बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मां से बढ़कर औलाद का ख्याल कोई नहीं रख सकता। ये बात मैं तुम्हें पहले भी कई मर्तबा समझा चुकी हूं, लेकिन शायद उस वक्त तुम्हें समझ में नहीं आया। अब सही कह रही है, मुझे उस वक्त आपकी बात नहीं समझ आ रही थी। आपने मुझे कितना समझाया था मामा, मुझे कुछ नजर नहीं आया था। तभी तो कहते हैं गुस्से में शैतान इंसान पर हावी हो जाता है और वो हमसे वो काम करवा देता है जो शायद हम कभी भी करना नहीं चाहते। आयशा हादी के पास चली जाएगी तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। तुम्हें सारा को बताया? मेरा मतलब है सारा को बताकर छोड़ने गए थे? नहीं, वो कभी आयशा को अपनी बेटी नहीं समझी। वो बस समझती थी कि वो हादिया की औलाद है, तो अगर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं उसको क्यों बताऊं? सोहेब,
तुम सारा को अच्छी तरह जानते हो, जब उसे पता चलेगा तो बहुत गुस्से होगी वो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि तुम्हारा और सारा का रिश्ता आगे कैसे चलेगा। तुम लोगों का हर वक्त का लड़ना झगड़ना, यकीन मानो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। आप परेशान मत हो मामा, बहुत जल्द आपकी यही परेशानी दूर करूंगा। क्या मतलब? कुछ नहीं मामा, आप स्ट्रेस मत लें। या अल्लाह, ये लड़का अब क्या करने वाला है? आसिम, आप क्यों भूल रहे? मैंने हादिया और उमेर की शादी इसी शर्त पर की थी कि हादिया की बेटी इस घर में नहीं रहेगी। शहनाज, तुम खुद सोचो, बच्ची माँ के पास नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? क्यों, इससे पहले कहाँ रहती थी? वो अपने बाप के ही घर में थी ना। ये ठीक है, सारी जिंदगी पहले हम लोगों ने हादिया को पाला पोसा, उसे इतना बड़ा किया, और अब उसकी बेटी का बोझ भी हम ही उठाए। अल्लाह की रहमत को तुम बोझ समझती हो, और रही बात हादिया की परवरिश की, तो वो मैंने और तुमने नहीं की है, वो अम्मा जी ने की है, और अम्मा जी ने ही हादिया के तमाम अखराजात खुद उठाए हैं, हम पे कोई बोझ नहीं पड़ने दिया उन्होंने। ये ठीक है, सब कुछ करें हम, लेकिन नाम दूसरों का ही हो। बस मैंने कह दिया, अब तकदीर अपने आप को दोबारा से नहीं दोहराएगी। पूरा ददियाल मौजूद है उस बच्ची का, उसे उसके बाप के घर छोड़कर आए। मैं हादिया की बच्ची को इस घर में अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, कुछ दिन सबर कर लो, मैं हादिया से बात करता हूँ। कुछ दिन क्यों, अभी जाएं और जाकर हादिया की बच्ची को उसके बाप के घर में छोड़कर आए। मैं किसी गैर की बच्ची को अपने घर में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखो, वो सिर्फ सुहेब की ही औलाद नहीं है, हादिया की भी बच्ची है। मैंने कहा ना, कुछ दिन सबर कर लो, मैं कोई इस मसले का हल निकालता हूँ। ये तो न जाने कब हल निकालेंगे। अब लगता है जो भी करना है वो मुझे ही करना होगा। हाँ भाई जोही, क्या दिमाग चलता है तुम्हारा? मुझे तो लगता था कि इस घर में सबसे ज्यादा अकलमंद मैं हूं, लेकिन तुम तो मुझसे भी दो हाथ आगे निकले। क्या सॉल्यूशन निकाला है हादिया से मिलने के लिए? अपनी बच्ची उसे दे है। तुम कहना क्या चाहती हो? इतने मासूम मत बनो, तुम अच्छी तरह समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तुम बच्ची को हादिया के पास इसीलिए छोड़कर आए ना, ताकि बच्ची के बहाने बार बार उससे मिल सको। तुम चाहती क्या हो? तुम खुद तो बाजार आ गई थी आयशा से। मेरी बच्ची तुम्हें मुसीबत लगने लगी थी, और जब मैं उसको उसकी माँ के पास छोड़ने गया तो तुम्हें उसमें भी सुकून नहीं है। सुहेब, इस घर में हर कोई आयशा को संभालने के लिए तैयार है। अगर तुम चाहते तो आयशा को ताईजान के पास दे देते, लेकिन नहीं, तुमने सोचा कि तुम उसे हादिया के पास छोड़ाते हो। इसी बहाने दीदार हो जाएगा ना अपनी पहली मोहब्बत का। बकवास बंद करो, तुम कभी भी मुझे चैन से नहीं रहने दोगी। चिल्लाओ मत, मैं तुमसे ज्यादा बेहतर आवाज में चिल्ला सकती हूँ। मैं तुम्हें सुकून से नहीं रहने दूंगी, तुम मुझे। सुहेब, सच को एक्सेप्ट करो, तुम अभी भी उस हादिया से मोहब्बत करते हो। उसकी मोहब्बत तुम कभी अपने दिल से निकाल ही नहीं सके। हाँ, करता हूँ हादिया से मोहब्बत, और इसकी वजह हादिया नहीं तुम हो। सच ये है कि तुमने मुझसे भी मोहब्बत नहीं की, तुम्हारी मोहब्बत खुद गर्ज है। अगर तुम सिंसियर होती तो तुम्हें कब का हादिया को भूल चुका होता। तुम उसे कभी नहीं भुला सकते, वो किसी चुड़ैल की तरह तुम्हारे दिल में बस गई है। चुप हो जाओ, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। नहीं होगी चुप, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। तुम हादिया से चुप चुप का मिलते हो ना अपनी बेटी के लिए। तुम बकवास बंद कर दो, बहुत चीजें हैं। हादिया,
और कितनी देर लगेगी, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही, खाना लगाओ। वो मुमानी अभी खाने में थोड़ा सा टाइम है। क्या मतलब, तुम क्या कर रही थी इतनी देर से? मुमानी मैं आयशा को सुला रही थी, बस अभी सोइए आप, थोड़ा सा वेट कर ले, बस अभी बन जाता है। ये ठीक है, अब तो तुम्हें बहाना मिल गया ना कुछ भी काम ना करने का। और बर्तन, ये बर्तन अभी तक क्यों नहीं धोए तुमने? बस खाना बना लूं फिर बर्तन भी धो देती हूँ। ये ठीक है भाई, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, अब तुम्हें इस घर की फिक्र क्यों होने लगी? अब तो तुम्हारी बेटी आ गई तुम्हारे पास, अब तो तुम सारा दिन कमरे में ही बंद रहोगी, और ये सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। मानी आप छोड़ दे, मैं धो लूंगी। रहने दो बीबी, अगर तुम्हें इतनी फिक्र होती ना तो मेरे कहने से पहले ही तुम धो के रख चुकी होती। अब जल्दी से खाना तैयार करो और लगा दो, इससे पहले कि मैं भूख से मर जाऊं। देखे भाभी, तुम और शौकत माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हो। समीना तुम्हें याद है, ये एहसन की रोजा खुशाई की तस्वीर है। जी भाभी, मैंने एल्बम से ही लिए। अब ये मेरे फोन में रहेगी, जब दिल करेगा देख लिया करूंगी। ये जोहेब और सारा की आवाज है ना, फिर इन लोगों ने झगड़ा शुरू कर दिया। भाभी मैं तो परेशान हो गई, तो रोज का मामूल बन गया इन दोनों का। इतना समझाया था मैंने जोहेब को कि सारा से मत उलझना, लेकिन पता नहीं इस लड़के को मेरी बात समझ में नहीं आती और सारा भी मेरी बात नहीं सुनती। रहने दे भाभी, अभी भी गलती सारा की होगी। घर का माहौल खराब करके रखती है। तो बेटे मैं देख के आती हूँ। या अल्लाह मेरे मौला। बस कर दो सारा, तुम्हें कब अकल आएगी? तुम हर वक्त जोहेब से क्यों झगड़ती रहती हो? मैं झगड़ती हूँ जोहेब से? मम्मा मुझे शौक है क्या लड़ने का? सारा फजूल बातें मत करो। जोहेब अगर अपनी बेटी को हादिया को देकर आया है तो तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम है? यही तो तुम चाहती थी, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना, पर तुम उल्टा उससे झगड़ रही हो। नहीं 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 मम्मा, आप नहीं जानती हैं जोहेब कितना चालाक है, ये अपनी बच्ची के बहाने हादिया से मिलने जाएगा। सारा ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। जोहेब हादिया से नफरत करने लगा था जिस दिन से उसे ये पता चला कि तुम्हारी साजिश थी। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। यूं कहे ना आप कि उसकी पुरानी मोहब्बत जाग गई है। सारा मोहब्बत कभी भी पुरानी नहीं होती, ये जरूर हो सकता है किसी साजिश, बदगुमानी या गलत फहमी की वजह से कहीं दफन हो जाए या कहीं छुप जाए। अगर मोहब्बत का एहसास जब भी होता है पहले दिन जैसा ही होता है। अगर तुम मेरी बात को नहीं समझोगी, क्योंकि तुमने दिल से कभी किसी से मोहब्बत की जो नहीं है, आज तुम्हारे बाबा नहीं है, मुझे उनकी कदर बहुत महसूस होती है। उनसे कितना झगड़ती थी, लड़ती थी, उनको उनकी पुरानी मोहब्बत के ताने देती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे एहसास हो गया था, मैंने उनसे लड़ना छोड़ दिया था। तुम्हारी तरह हर वक्त ताने देकर मैंने उनकी जिंदगी अजीरन नहीं की। मम्मा बस, मेरे और जोहेब के मामले में आप ना बोले तो ये आपके लिए बेहतर। तुम मुझसे किस तरह बात कर रही हो? सारा मैं तुम्हारी माँ हूँ। हैरत है, आज तुमने चक्कर कैसे लगा लिया? वरना तो मैं तुम्हें बुला बुला कर थक जाती हूँ, तुम कभी आती ही नहीं। शहनाज तुम तो जानती हो मैं कितनी मसरूफ रहती हूँ, अभी भी सिलाई के इतने सारे कपड़े पड़े हुए। वो जुबैदा आपा है ना, उनकी बेटी की शादी हो रही है,
भाई सारे कपड़े वो मुझसे ही सिलवा रही है। कह रही है पूरे मोहल्ले में तुम्हारी जैसी सिलाई कोई नहीं करता, दर्जी तक तुम्हारी जैसी सिलाई नहीं करते। हाँ ये बात तो सच है, तुम्हारे जैसी सिलाई तो कोई भी नहीं कर सकता। वो मेरी बेटी बता रही थी कि उसने हादिया के गोद में किसी बच्ची को देखा है, कह रही थी कि हुमैर भाई की मुन्नी आई है। हाँ वो हादिया की पहली शादी से भी एक बेटी है ना, बस वो ही हादिया के पास आई हुई है। लो भाई यही तो मैं बोलूं, अभी उमेर की शादी को 1 साल पूरा भी नहीं हुआ और ये बच्ची कहाँ से आ गई। वही जैसे ही मुझे बच्ची ने बताया मैं तो सोच में पड़ गई, मैंने कहा जाके पूछूं क्या मामला है। वैसे भाई बच्ची वाली से शादी हो जाए ना तो बड़े मसले होते। अब देखो उमेर के जब औलाद होगी तो यही सगे सुतेले वाला मामला हो जाएगा। भाई मैं तो कहती हूँ शहनाज बच्ची को उसके बाप के हवाले कर दो, क्यों बिला वजह मुसीबत में पड़ रही हो तुम। आयशा आपको पता है आपके आने से मामा के घर में कितनी रौनक हो गई है, मामा कितनी खुश हो गई हैं। हादिया जल्दी से मुझे एक कप चाय बना कर दो। इस वक्त? मेरा मतलब आप इस वक्त चाय तो नहीं पीती? हाँ ठीक है नहीं पीती, लेकिन अभी मेरा चाय पीने का दिल कर रहा है। क्यों, अगर तुम अभी चाय बना दोगी तो कोई गुनाह मिल जाएगा तुम्हें? नहीं नहीं मैं बना देती हूँ। रहने दो बस, बल्कि एक काम क्यों नहीं करती हादिया, तुम सारा दिन इसे गोद में लेकर यहीं बैठी रहो। वैसे भी सुबह से लेकर ये वक्त हो गया, तुम तब से इसको अपने पास ही रखी हुई हो, इस घर की तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं। ठीक है मैं खुद बना लेती हूँ चाय। क्या हो गया मम्मी, आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हैं? ये तुम अपनी बीवी से पूछो, जब से बच्ची आई इसे इस घर की कोई फिक्र नहीं है, सारे काम मुझे करने पड़ रहे। मानी मैं सारे काम करती तो हूँ। हाँ तो तुम ये कह दो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। हादिया मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि तुम्हारा इस घर से जैसे कोई रिश्ता ही नहीं, कभी कोई ताल्लुक था ही नहीं तुम्हारा हमारे घर से, तुम्हारे सब रिश्ते हर ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी से। अम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अब तुम कर लो हिमायत अपनी बीवी की। उमेर तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारी शादी से पहले मैंने एक शर्त रखी थी कि हादिया की बच्ची इस घर में नहीं आएगी और तुमने मेरी वो शर्त मानी भी थी। उमेर अब हादिया को फैसला करना होगा, या तो इस घर में ये बच्ची रहेगी या ये खुद। हादिया 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 प्लीज मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो। हादिया दरवाजा खोलो प्लीज। उमेर प्लीज चले जाओ यहाँ से। हादिया मुझसे एक दफा बात तो कर लो, मेरी बात तो सुनो। आई एम सो सॉरी, मेरी दरवाजा खोल दो। उमेर चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे से कोई बात नहीं करनी। हादिया मुझे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है, प्लीज दरवाजा खोल दो। हादिया प्लीज दरवाजा खोल दो। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा तुमने इस शर्त से मुझसे शादी की थी। उमेर और तुमने मुझे बताया तक नहीं। सॉरी हादिया। सॉरी? उमेर मुझे पहले पता होता ना मुमानी ने ये शर्त रखी है, कभी तुमसे शादी ना करती। तुम जानते हो ना मेरे लिए इस सारी दुनिया में आयशा से ज्यादा अजीज कोई नहीं है, तुम भी नहीं। हादिया तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो, उस वक्त मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो तो मम्मी को अच्छे तरीके से जानती हो, अगर वो किसी चीज के पीछे लग जाए तो वो जब तक अपनी ना मनवाए वो चैन से नहीं बैठती। अगर मैं उनकी ये बात ना मानता तो हमारी शादी नहीं होने देती हादिया।
उस वक्त मेरे पास उनकी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। धोखा दिया तुमने मुझे उमेर, और अगर इस घर में मेरी बेटी के लिए जगह नहीं है तो फिर मैं भी यहाँ नहीं रह सकती। ये क्या बातें कर रही हो तुम? ऐसा किसने कहा है कि आयशा यहाँ से जाएगी? तुम और आयशा दोनों मेरे साथ रहोगे और आयशा की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। उमेर तुम क्या समझते हो, ये सब इतना आसान है? तुमने अभी बोला ना कि मुमानी बहुत जिद्दी हैं, किसी बात पर अड़ जाएं तो अपनी मनवाती हैं। मैं तुम शायद अपनी माँ को नहीं जानते, लेकिन मैं जानती हूँ वो मेरी बेटी के लिए इस घर में रहना बहुत मुश्किल कर देंगी। क्या कर दिया हूं मैं तुमने, काश तुम एक बार तो इस शर्त का जिक्र करते। तुमने अपने और मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। आयशा से मिलने के बहुत दिल चाह रहा है, बहुत याद आ रही है मुझे। नहीं नहीं घर में नहीं, तुम्हें सारा का पता है, हम कहीं और मिल लेते हैं। हाँ ओके। किससे बात कर रहे थे? किसी से नहीं। कहाँ जा रहे हो? बस कोई काम था ऑफिस का। पूछ सकती हूँ किस काम से जा रहे हो? हाँ बस है कोई काम। मुझे तो लगता है कि अब तुम्हारा इस घर में दिल ही नहीं लगता। दिल लगाने के लिए घर में सुकून चाहिए, जो तुम कभी दे नहीं सकती। कोई तो बात है, मैं तुम्हारे चेहरे देख के समझ सकता हूँ। मुझे इतना अच्छा पहचानते होते ना तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख तुमसे ना आता। तुम्हारे साथ साथ मैं अपनी बच्ची की भी मजरूम हूँ। पता नहीं जब ये बड़ी होगी मैं इसका सामना कैसे करूंगा, क्या कहूंगा, मैंने उसको अपनी माँ से क्यों अलग किया है? सुहेब एक बेटी के लिए उसकी माँ के साथ साथ उसके बाप का होना भी बहुत अहम होता है। मैंने सोचा था इस तरह मैंने अपनी सारी जिंदगी बाप के बगैर गुजारी, अपनी बेटी को ऐसी जिंदगी नहीं दूंगी। तुम्हारे साथ जो भी हालात होए, जो भी मुश्किलात आए, सब्र के साथ काम लूंगी। जो भी हो जाए हमारा रिश्ता टूटने नहीं दूंगी। मगर तुमने तो सफाई का एक मौका नहीं दिया सुहेब, पल में सब कुछ खत्म कर दिया। मैं जानती हूँ एक बाप और बेटी का रिश्ता कितना मजबूत होता है, मगर तो फिर तुम सोचते क्यों नहीं? अभी भी वक्त है हादिया, तुम चाहो तो हमारी बेटी अभी भी अपनी माँ और बाप के साथ रह सकती है। अब ऐसा नहीं हो सकता सुहेब, मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। वापस आ जाओ मेरे पास हादिया, मेरे लिए नहीं
अपने लिए नहीं, हमारी बेटी के लिए, इसकी बेहतर मुस्तकबल के लिए। मैं वादा करता हूँ तुम्हें बहुत खुश रखूँगा हादिया, तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी बेटी के लिए एक और दे दो। सब्जी वाले भाई रुको, ओ सब्जी वाले भाई, एहसन बोलो। मेरा एक काम करोगे क्या? आयशा सो गई? जी सो गई। मैं आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं यार, ऑफिस के बाद दिल ही नहीं चाह रहा। एक काम करो, एक अच्छी सी चाय पिला दो, थोड़ी देर बाद खाना खा लूंगा। हादिया कहाँ गई थी तुम? वो मैं आयशा को कुछ सामान लेने गई थी, मेरे को बताया था मैंने। जी अम्मी मुझे बता के गई थी। झूठ मत बोलो हादिया, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें जुहेब की गाड़ी से उतरते हुए देखा है। क्या कर रही थी तुम उसके साथ? तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? आज भी तुम अपने साबका शौहर से मिल रही हो? ये क्या कह रही है अम्मी? यकीनन आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, झूठ बोल रही है हादिया तुमसे। मैंने इसे अपनी आंखों से जुहेब की गाड़ी से उतरते हुए देखा है। अब बताओ खामोश क्यों खड़ी हो? आखिर तुम किसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही हो हादिया? बोलती क्यों नहीं हो? नहीं हुमानी, वो तौबा। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी हादिया। दिखने में कितनी मासूम लगती है, लेकिन हम सबके सामने हमारे इस घर में रहते हुए हमें धोखा दे रही हो तुम। बड़े अफसोस की बात है। अम्मी आप क्या कह रही हैं? आप हादिया पे बिलावजह इल्जाम लगा रही हैं। तुम्हें ये लग रहा है उमेर कि मैं झूठ बोल रही हूँ? बस करें अम्मी, मैं जानता हूँ कि आपको हादिया नहीं पसंद, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप इसके किरदार पे उंगली उठाएं। अगर इसने कहा है कि आयशा की चीजें लेने के लिए गई थी तो ये वहीं गई थी। मुझे हादिया पे पूरा भरोसा। हादिया हम कमरे में चल। ज़ुहेब इसमें क्या है? खुद ही देख लो। अच्छा तुम और मैं यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं, पूरी दुनिया घूमेंगे, बहुत सारा वक्त साथ में स्पेंड करेंगे। तुम जानते हो जुहे, अगर हम इतना टाइम साथ स्पेंड करेंगे ना तो हमारे बीच की लड़ाई रंजिशें सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी।
क्या हुआ जुहेब, तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम्हें पता है मैं कितने बिजी होता हूँ। मैं ऑफिस को इसे छोड़ के नहीं जा सकता सारा। क्यों नहीं छोड़ सकते जुहेब? देखो, मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे और अपने रिश्ते को स्पेस दूँ। सच कहूँ तो मैं भी रोज रोज की लड़ाइयों से तंग आ गई। मैंने तुमसे इसलिए तो शादी नहीं की थी ना, तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ मैं। तुम अभी भी अपनी खुशी की बात कर रही हो? नहीं जुहेब, मैं अपनी खुशी की बात नहीं कर रही, मैं हम दोनों के लिए कह रही हूँ। मुझे तो लगता है ये घर ही मनहूस है। जब तक हम यहाँ रहेंगे ना, हमारी लड़ाइयाँ होती रहेंगी, हमारा रिश्ता बेहतर नहीं होगा। सारा, जगह मनहूस नहीं होती, जगह में कोई बुराई नहीं होती। अगर बुराई होती है तो वो इंसान में होती है। तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना चाहती जुहेब, तुम प्लीज ऑफिस से ऑफ ले लो। अपने लिए कॉफी बना ली, तुम्हारे लिए बनाऊं? नहीं, मुझे भूख लग रही है, खाना का कह दो। क्यों आए हो तुम यार? जाओ जाकर अपनी बीवी के पास बैठो, क्योंकि मैं तो झूठ बोलती ना और तुम्हारी बीवी पर इल्जाम लगाती हूँ, वो भी गलत। मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं। बेटा मेरी फिक्र क्यों कर रहे हो? मेरी नाराजगी की क्या परवाह है तुम्हें? जाओ जाकर फिक्र करनी है तो अपनी चहेती लाडली बीवी की करो, कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, वरना माँ क्या क्या है, चार दिन मुंह बनाएगी, उसके बाद फिर से ठीक हो जाएगी। आखिर माँ हूँ ना मैं तुम्हारी। अम्मी, मैं जानता हूँ आप सच कह रही थी, आदिया जुहेब को आयशा से मिलवाने लेकर गई थी। अगर तुम सच जानते थे तो तुमने उस वक्त तरफदारी क्यों की अपनी बीवी की? क्यों कहा कि जो वो कह रही है वो सच है? ये बात सच है अम्मी कि मुझे हादिया पर भरोसा है, और ये बात भी सच है कि आपने उसको जुहेब की गाड़ी से निकलते हुए देखा है। मगर उसका ये मतलब नहीं है कि हादिया गलत है। अम्मी, जुहेब आयशा का बाप है, और अगर हादिया उसे मिलवाना चाहती है तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। क्या हो गया अगर वो चली गई? मुझे हादिया पर पूरा भरोसा है। अम्मी, जरूरी तो नहीं है ना कि हमारी आंखें जो देखें हमेशा वही सच हो। कुछ भी है, मगर हादिया को इस तरह जुहेब से अब नहीं मिलना चाहिए। मैं पहले इस बात के खिलाफ थी कि उसकी बच्ची यहाँ आकर रहे। जब तक वो बच्ची यहाँ रहेगी, जुहेब और हादिया को एक दूसरे से मिलना पड़ेगा। मगर नहीं, तुमने मेरी एक ना सुनी। मैं तो अभी भी कहती हूँ कि वक्त है, जाकर वापस छोड़ा इस बच्ची को उसके बाप के पास, मगर तुम मेरी कहां सुनने वाले? अम्मी, हादिया माँ है आयशा की। सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचा कि अगर मुझे कोई आपसे छीन कर ले जाए तो आपको कैसा लगेगा? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो इसी तरह हादिया भी तो एक माँ है ना। कोई ऐसा भी हो सकता है क्या? इतना भरोसा करने वाला जो आंख बंद करके यकीन करे। पता है, मैंने तो सोच लिया है, पहले हम लोग दुबई जाएंगे और फिर हम लोग पूरा यूरोप घूमेंगे। यानी कि पूरी दुनिया घूमने का प्रोग्राम है तुम्हारा? हाँ, तो वैसे भी जुहेब के साथ इतने अरसे बात कहीं जा रही हूँ, मैं तो 3-4 महीने से पहले वापस ही नहीं आने वाली। 3-4 महीने, ये कुछ ज्यादा नहीं है? एक बात बताऊँ, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं कभी वापस ही ना आऊँ। सारा थोड़ा आहिस्ता बोलो, मामा ने सुन लिया ना तो उन्हें बहुत दुख होगा। तो क्या ताईजान नहीं चाहती कि जुहेब और मैं खुश रहें?
नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम तो जानती हो ना, मामा भाई से कितनी मोहब्बत करती हैं। मामा उनके बगैर नहीं रह सकते। मानूर, मैं कौन सा तुम्हारे भाई को ताईजान से हमेशा के लिए छीन रही हूँ? वैसे भी जिससे मुझे छीनना था उससे तो मैं छीन चुकी, अब मुझे किसी और का डर नहीं है। सोच रही हूँ शॉपिंग पे कल ही चली जाऊँ।